सनातन धर्म की धरोहर श्री भगवान उवाच श्रीमद् भगवद गीता का एक श्रृंखला शाश्वत सनातन के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी। इस श्रृंखला में हम आपके सामने आचार्य शंकर के संस्कृत भाष्य और उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज इस श्रृंखला का पहला सूक्त जो द्वितीय अध्याय अर्थात सांख्य योग के 11 नंबर श्लोक से शुरू हो रहा है। श्री भगवान उवाच अशोचानंत अशोचोचं प्रज्ञावादांश भाषसे गताशून गताशूंश्च नानु सोचन्ति पंडितः। श्री शंकराचार्य बोल रहे हैं अशोचन इत्यादि ना सोच्य अशोच्य भीष्म द्रोणोदय सद्वित्रता परमार्थ स्वरूपेण च नित्यस्तात्यान अशोचन अशोचश्च अनुशोचित वानसीते म्रियते मन्निमित्तम अहं तैवी नाभूत किं करिष्यामि राज्य सुखा दीन इति तंग प्रज्ञावादान प्रज्ञावातं बुद्धिमतं वादांश वचनानि च भाषसे तदेतत् मूढं पंडितं च विरुद्धं आत्मानि दर्शयसि उन्मत्त इव इत्तभिप्राय जस्मात् गतासून गत प्राणान् मृतान् अगतासून अगत प्राणान् जीवतश्च न अशोचन्ति पंडितः आत्मज्ञा पंडा आत्म विषया बुद्धि ते शेतं ते ही पंडिता पंडित निर्विद्ध इति श्रुते परमार्थ तंतुतान नित्यान अशोचान अनुशोचसि अतो मूढ़से इत्तभिप्राय कूतस्ते अशच्च जतो नित्य कथम। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहित हो रहा है और जो महान शोक सागर में डूब रहा है ऐसे अर्जुन को बिना आत्मज्ञान के उद्धार होना असंभव समझकर उस शोक समुद्र से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव आत्मज्ञान की प्रस्तावना करते हुए बोले जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें स्वशोच कहते हैं। भीष्म द्रोण आदि सदाचारी और परमार्थ रूप से नित्य होने के कारण अशोच है। उनने शोक करने योग्य भीष्मादि के निमित्त तू शोक करता है कि मेरे हाथों वो मारे जाएंगे उनमें उनसे रहित होकर राज्य और सुखादि का क्या करूंगा। तथा तू प्रज्ञावान होके अर्थात बुद्धिमानों के वचन भी बोलता है। अभिप्राय यह है कि इस तरह तू उन्मत्त की भांति मूर्खता और बुद्धिमत्ता इन दोनों का परस्पर विरुद्ध भाव को अपान में दिखलाता है क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं जो मर गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं जी रहे हैं उनके लिए भी पंडित आत्मज्ञानी शोक नहीं करते। पंडितों को संपादन करने इस श्रुति वाक्य के अनुसार आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है और बुद्धि जिनमें है वो पंडित है। परंतु परमार्थ दृष्टि से नित्य और अशोचनीय भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तो शोक करता है अतः तू मूढ़ है यह अभिप्राय है। इसके साथ द्वितीय अध्याय के 11 नंबर श्लोक समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। धन्यवाद।